Thank you. वेलकम बैक टू माई चैनल मैं अंतरा स्वागत करती हूँ आप भी अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे कैसे आप सभी आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे इतनी ठंड में आप लोग सेफ होंगे खुश होंगे हैप्पी होंगे देख सकते हैं इसमें ना प्लांट में ना फ्लावर जो है ना वो आने लगा है तो मैं सुबह सुबह देख के बड़ा खुश हो गई कि सेकेंड फ्लावर भी आ रहा है फ़र्स्ट फ्लावर तो जब मैं ससुराल जा रही थी तभी आ गया था तो अभी जो मेरी मेड है ना वो नहीं आई है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको बोल के ही रखती हूँ कि अरंजना आप आराम से आना कोई हर नहीं है क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर उठती हूँ जैसा कि आप लोग को कल मेरे ब्लॉग से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और कल रात में मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था टॉन्सिल की वजह से तो आ, इसी वजह से मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर भी जो है वो थोड़ा सा आराम आराम से कर रही हूँ अभी मैंने इंट्रो जो बोला वो मैंने काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोल दी जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा दर्द जो है ना वो होने लगा सो so, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और अभी दूध वाले आए थे तो सुबह सुबह या तो पहले दूध वाले आते हैं या तो रंजना आती है मतलब जो मेरी मेडिस हो सो so, अभी रंजना जो है वो नहीं आई है तो दूध वाले आए थे तो उनसे मैंने कहा कि आप दूध दे दो और थोड़ा पैकेट वाला भी दूध जो है ना वो भी ला दो तो वो तो दूध दे के उसके बाद नीचे से नीचे दुकान है बहुत ज़्यादा दूर दुकान नहीं है तो वो पैकेट वाला दूध दिए उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी एक तरफ जो गाय वाला जो रिशां का दूध आता है उसको मैं बॉईल करने लगी और एक तरफ दूध जो है मैं बॉईल नहीं की थी क्योंकि काफ़ी सारा बर्तन है आप देख ही सकते हैं बर्तन बहुत ज़्यादा है तो मैं वेट कर रही थी कैसे तो खुद से अगर आपको बर्तन धोना है तो आप बर्तन धो लो उतना ज़्यादा बर्तन का पता नहीं चलता है लेकिन जब मैट रहती है तो फिर मैं रात में बर्तन जो है वो नहीं धोती हूँ तो बर्तन भी देख सकते काफ़ी ढेर लगा हुआ है बर्तन और यहाँ पे गरम पानी करने के लिए कैटल में गरम पानी जो है वो मैं कर लूँगी और अभी पहले हस्बैंड को दूँगी गरम पानी उसके बाद चाय बनाऊँगी तो जब तक मैं ये सब कर रही थी कि बेल बज रहा था तो यहाँ पे ईशान को मैं बोल रही थी कि तू माना आज नहाना होगा तो वो बोल रहा था मम्मी आज बहुत ठंडा है मैं आज नहीं नहाऊंगा तो मुझे हंसी भी आ रहा था कि बच्चे को लोग भी मम्मी आज मुझे मत नहाना मुझसे बहुत प्यार करती हो ना आप यहाँ पे मेरी मेड भी जो है वो भी आ गई थी मैं भी गेट खोलने ही जो है वो चली गई थी काफ़ी ज़्यादा ठंड था वो मुझसे कुछ बातें कर रही थी यास के दीदी बहुत ज़्यादा ठंड है इसीलिए लेट से आई तो ही मैं उसको बता रही थी कोई बात नहीं रंजना लेट से ही आई तो क्या हो गया मतलब क्योंकि उसको भी लगता है कि मतलब लेट हो गया तो कहीं दीदी बोले ना क्योंकि राहुल जी के बारे में उनको पता है कि ऑफ़िस बहुत टाइमली जाना पड़ता है और वो लेट नहीं कर सकते हैं तो मैंने कहा कोई बात नहीं रंजना आप लेट से क्योंकि देर ठंड अगर हमें भी लग रहा है तो उनको भी तो लग लग ही रहा होगा ना और काफ़ी ज़्यादा बर्तन दे के फिर मैंने क्या किया बोला कि आप पहले ना जाके मोटर चला लो जिससे थोड़ा फ्रेश पानी आएगा तो नॉर्मल पानी जो है वो आएगा तो बस यहाँ पर अभी आ, मैं ना अदरक डाल रही हूँ चाय में बिना अदरक का चाय मुझे आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है वैसे भी पता है आपको मुझे सिंपल सा चाय दे दो ना चाय पत्ती चीनी डाल के तो मुझे वो चाय उतना अच्छा जो है वो नहीं लगता है मुझे थोड़ा चाय में अदरक इलायची ये सब मुझे चाहिए होता है तो बस यहाँ पे अदरक कूट दूंगी अच्छा ये कूटने वाला आप लोग बोलते हैं दीदी आप कहाँ से ली हो मैंने बहुत बार बताया है कि मैं इसको अमेजोन से ली हूँ रिशांक कल शाम से जो मास्क पहन रहा है और मैं आपको क्या ही बताऊँ मास्क नहीं खोल रहा है उसके नाना का भी रिशांक के नाना का मतलब मेरे पापा का भी फ़ोन आया उन्होंने कहा बेटा मास्क हटा के बात करो हमसे वीडियो कॉल किए थे लेकिन नहीं रिशांक मास्क ही पहना हुआ है और मुझे कह रहा है मम्मी आपको फ़ीवर है ना इसी मैंने मास्क पहन <laughs> तो मुझे बहुत हंसी भी आ रहा था उसकी बातों पे कि यार बच्चे लोग मतलब क्या क्या ये इतना कुछ मैं तो इसको नहीं बताती हूँ लेकिन ये फ़ोन में ही ना सब कुछ सीख के रखता है तो जैसे कभी हम लोग मार्केट में या गैदरिंग में जाते हैं तो उसको मास्क पहना देते हैं बोलते बेटा मास्क मत खोलना इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसने मुझे भी कहा कि मम्मी आपको फ़ीवर है मैं मास्क पहना रहूँगा नहीं तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा मैं सोचती रह गई कि बच्चे लोग कितना समझदार हो गया डिजिटल हो गए हैं तो बस यहाँ पर हस्बैंड को पानी दे के आ गई थी गर्म पानी और ठंडा पानी जो वो मिक्स करके पीते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो है वो नहीं पीते हैं मैं तो सुबह सुबह एकदम तेज़ वाला गर्म पानी जो होता है ना वही पीती हूँ सो so, अभी बना लेते हैं चाय बनी गया ऑलमोस्ट बोलते बोलते में गले में भी पेन हो रहा है लेकिन क्या ही करूं ब्लॉगिंग तो एडिट करना ही है और वॉइस ओवर करना ही करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा धूप निकल आया थोड़ी देर में ना धूप रंजना जो है वो काम करके जा चुकी थी तो उसके बाद मेरा ना दो तीन फ़ोन कॉल आ जाता है तो बैठ के बात ही करने लगती हूँ तो फ़ोन आ गया था फिर बैठ के बात करने लगी और यहाँ पे कपड़े जो है मशीन में नहीं लगाई तो धूप जैसी मैं देखी मैंने कहा चलो फटाफट से कपड़े जो है उनको मशीन में मैं लगा देती हूँ तो बस यहाँ कपड़े मशीन में लगाने आ गई हूँ और थोड़े बहुत से कपड़े थे ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं इसी वजह से ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो ये हस्बैंड का एक जैकेट था मैंने कहा वो भी रख देती हूँ ईशांक अभी देख ही सकती है मास्क मास्क पहन के पूरे घर में घूम ही रहा है वो कह रहा है मम्मी आपको फ़ीवर हो गया ना इसलिए मैं मास्क पहनाऊँ मतलब मुझे फ़ीवर हो गया तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको इन्फेक्शन होकर उसको फीवर ना हो जाए इस वजह से वो मास्क जो है वो पहन रहा है उसके बाद ये सब करने के बाद मैं आ चुकी हूँ हॉल में जैसा मैंने आपको बताया कि रंजा झाड़ू पोछा करके जा चुकी थी तो इन सबको मुझे सही करना था एक बार तो पूरे दिन में मैं इन लोग को इन सबको ठीक करती हूँ तभी मुझे तसल्ली होता है नहीं तो मुझे ना अच्छा ही लगेगा लगे पूरा घर जो है ना वो फैला फैला सा हुआ है तो ये चेयर मैं रख देती हूँ अच्छा आप लोग बोला दीदी ये चेयर आपके पास पहले तो नहीं था आपने नया लिया है तो देखिए नया भी चेयर नहीं है लगभग तीन चार महीने हो गया इनको लिया हुआ कोई नया भी नहीं है मुझे एक्चुअली ये जो सेंटर टेबल है ना इनसे मैचिंग करके लेना था तो उसी तरीके से ब्लैक और मेरे सोफ़ा का भी जो कवर सॉरी कलर जो है वो ब्लैक ही है तो उससे मैचिंग मुझे लेना था तो इसीलिए मैंने ये कलर सजेस्ट किया हस्बैंड को कि आप ब्लैक ही लेके आना ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ ब्लैक ही चाहिए था आप लोग बोले कि आप दूसरा कलर क्यों नहीं ली तो बस यही रीज़न था और कोई बात नहीं था तो यहाँ पे बस ये सोफ़ा वोफ़ा जो है वो ठीक जो है वो कर लूँगी ये तो मेरा डेली का काम है और आई थिंक हर एक हाउस वाइफ्स को का ये सब डेली का ही काम होता है है कि नहीं जिम्मेदारी जो होता है ना इंसान को सब कुछ सिखा देता है वही हाल मेरा भी है जिम्मेदारी जो होता है ना मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया इतनी सी उम्र में बहुत कुछ मैंने लाइफ में सीखा और पता एक बात बताऊँ मैं आपको पूरी ब्लॉगिंग खत्म हो गई उसके बाद ही मुझे पता चला कि मेरे सर पे बिंदी भी नहीं है क्योंकि मैंने अपने आप को सुबह से जब मैं उठी ना तो मैं अपने आप को उतना ध्यान से देख ही नहीं कि मेरे सर पे बिंदी नहीं है मैं बिंदी लगा लूँ हुआ क्या था कि रात में मेरे सर पर बहुत ज़्यादा दर्द था तो मैंने विक्स दो तीन बार लगाई ना बिंदी कब हट गया मुझको पता ही नहीं चला और जब मैं ब्लॉगिंग एडिट कर रही थी उस टाइम पर जब मैं अपना फेस देखी तो मैंने कहा अच्छा मैंने तो बिंदी लगाया ही नहीं पूरा ब्लॉग ही बिना बिंदी का ही चला गया बिना बिंदी का फेस ना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपको जब जो चीज़ आदत हो जाए तो उसके बाद तो अच्छा नहीं लगता है इसमें पानी नहीं था तो मैं सोची कि पानी डाल देती हूँ इसमें मैमो प्लांट लकी प्लांट होता है ये तो मैं इसमें सोची चलो थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि पूरा पानी जो है वो सूख गया था पता नहीं क्यों बहुत जल्दी पानी सूख जा रहा है जबकि ठंड का मौसम है फिर भी पानी जो है ना बहुत जल्दी इसमें खींच लेता है यहाँ पर रिशांक को मैं यहाँ पर दे दी हूँ कि अपना फटाफट से होमवर्क कर लो क्योंकि रिशांक की आने वाली है मैम पढ़ाने के लिए रिशांक स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो वो अपना आराम कर रहा है यहाँ पे किचन में मैं आ गई थी दूध बैठाने के लिए आप सोचिएगा इतना दूध अब क्यों उबाल रही हो तो जी देखिए मिल्क जो है ना जैसे ये जो पैकेट वाला जो मिल्क है ना वो मैं चाय के लिए लेती हूँ और सुबह जो मिल्क आया था गाय का वो निशान के पीने के लिए आता है लेकिन ये जो बड़ा वाला जो भगवने में मैंने अभी मिल्क डाला है ये भैंस का मिल्क है ये मैंने अलग से मंगवाया है जैसे कि दही जमाने के लिए दही बैठाऊँगी ना उसके लिए मैंने वो मिल्क मंगाया है क्योंकि आ रहा है मकर संक्रांति तो उसके लिए तो दही चाहिए ना तो इसी वजह से ऐसे मार्केट से दही ले सकते हैं लेकिन अपने घर का जो दही जमाते हैं ना उसका स्वाद ही अलग ही होता है यहाँ पे इस बहुत फैला हुआ था जब से ससुराल से आई थी इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर सामान देख के गुतना गुस्सा आ रहा था कल हुआ था कि मेरे अलमीरा का चाबी जो है ना वो खो गया था तो मुझे ढूंढने में ना पूरा इधर से उधर सामान हो गया जो उसको मैंने भी अरेंज भी नहीं किया कपड़ों का भी हाल बहुत बेकार हो गया तो इसी वजह से आ, मैं ना सोची कि थोड़ा सा इसको मैं ना ठीक कर देती हूँ तो बस वही जो है वो मैं ठीक करने में लग गई थी और देखती हूँ अभी एक दो दिन में पूरी घर की भी मुझे डीप क्लिनिंग करनी है सोच रही हूँ थोड़ा सा धूप हो जाए और मेरी थोड़ी तबीयत सही हो जाए तो कर लूँ क्योंकि घर में कहीं कहीं जाले जो है वो मुझे दिख रहे हैं तो जाले घर में लगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है तो मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ एक दो दिन में अभी तो मकर संक्रांति की तैयारी करना है अभी बहुत कुछ बाकी है सोचिए लाई वाई थोड़ा सा बना देती हूँ घर में अच्छा होता है कहते हैं शुभ माना जाता है तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा बनाओ कि ना बनाओ समझ में नहीं आ रहा है मैं सोच रही कि अकबर मतलब हस्बैंड रहे तो बनाओ क्योंकि उनको तो टाइम ही नहीं और अकेले उतना मुझसे होगा कि नहीं होगा पता नहीं लेकिन देखती हूँ जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नहीं होगा तो मार्केट से मंगा लूँगी क्या करूँगी अकेले ना होता नहीं है सब कुछ है। वैसे मैं सोच रही थी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बनाने का नहीं सोच रही थी थोड़ा ही बहुत सोच रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बना के ही क्या करूँगी हस्बैंड उतना खाते हैं नहीं को आप सभी को पता ही है लेकिन तो भी जो लोग हैं उनको तो देना है ना मुझे इसी वजह से तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हो मैं जा रही हूँ नहाने नहा के आती हूँ तो नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तब तक की